नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। IRCTC अपने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए अक्सर काम करता रहता है, इसीलिए कई बार बड़े बदलाव देखे जाते रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अब IRCTC यात्रियों को कंबल मुहैया कराएगी, और लीजिए अब एक और नया नियम बनाया गया है जिसे सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने टिकट बुक कर लिया लेकिन आप किसी और स्टेशन से बोर्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन ऐसा नहीं कर पाते। यात्रियों की इसी मजबूरी को IRCTC ने दूर करने का फैसला किया है। मसलन, अगर आप अपना टिकट बुक कर चुके हैं और अपनी बोर्डिंग लोकेशन बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, आप ट्रेन के रूट में पड़ने वाले किसी भी ऐसे स्टेशन जहां पर ट्रेन रुकती है वहां ट्रेन में बोर्डिंग कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे और IRCTC इसके आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको टिकट में बदलाव करना अनिवार्य होगा, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। IRCTC बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जो सुविधा दे रही है ये उन तमाम यात्रियों के लिए है जो ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे। ये सुविधा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम या ट्रेवल एजेंट द्वारा बुक कराए गए टिकट पर उपलब्ध नहीं होगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले आपको बोर्डिंग स्टेशन का नाम बदलना होगा। यहां पर एक और बात आपको बताते चले कि अगर एक बार टिकट में बोर्डिंग स्टेशन बदला गया तो आप फिर पुराने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो पेनल्टी तो देनी होगी ही, साथ ही साथ किराए का भुगतान अलग से करना होगा। अब आपको हम वो प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप खुद भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। सबसे पहले www.irctc.co.in वेबसाइट पर जाएं, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखें। इसके बाद बुकिंग टिकट हिस्ट्री में जाएं, अपनी बुक की गई ट्रेन को सिलेक्ट कर चेंज बोर्डिंग पॉइंट पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा जिसमें ड्रॉप डाउन में जाकर नए बोर्डिंग स्टेशन का नाम सिलेक्ट करें। नए बोर्डिंग स्टेशन का नाम सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम आपसे कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो आप ओके पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर SMS के जरिए बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की जानकारी आ जाएगी। IRCTC के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।